ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट बाय अलाउइंग द ऑपोजिशन टू स्पीक, बाय अलाउइंग अस टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, यू विल डू योर ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the house to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। परंतु क्या केवल अपने ईगो के लिए स्पीकर के विषय को एक कॉन्टेस्ट का विषय बनाया गया जब आंकड़े नहीं थे? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जो एनडीए की और पीएम मोदी की लेजिटिमेसी पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे वो भी फर्जी साबित हुए राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि आंकड़े एनडीए के साथ है, पीएम मोदी के साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या दलितों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी अपने ईगो के लिए? मतलब जब आंकड़े नहीं थे तो के सुरेश को आगे कर दिया, जैसे सुशील कुमार शिंदे को किया था, मीरा कुमार को किया था।